रविवार को शहर में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दौरान ग्रासिया घाट स्थित शिव मंदिर के सामने लगने वाली मांस मछली की दुकानों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र दीक्षित का सोमवार रात करीब 9 बजे आजाद चौक में भाजपा नेता अमित सोनी के द्वारा पुतला दहन किया गया। नगरपालिका को यह परमिशन किसने दी हाट लगाने की? जो शाजापुर नगर में रविवार का हाट लगता है, मार्केट का हाट लगता है, उसकी परमिशन किससे पूछ के ली? मेरी आज सीएमओ से एक नगरपालिका जनप्रतिनिधि, पूर्व नगरपालिका पार्षद जनप्रतिनिधि के नाते मैंने आज फ़ोन पर बात की उनसे। क्या आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको नगरपालिका में ये किसने परमिशन या मतलब आपको किसने बोला कि ये क्या नाम से कोरोना काल के बाद यहाँ पे हाट में दुकान लगाई जाएगी? उन्होंने मेरे से बोला कि इसकी परमिशन की क्या ज़रूरत, तो ऐसा क्यों? चलो ठीक है, आपने परमिशन नहीं ली उसकी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, पर मेरा सबसे बड़ा विरोध ये है कि महादेव मंदिर घरासिया घाट महादेव मंदिर के पास में मांस मटन और मछली की दुकानें लगाई गई, ये सबसे ज़्यादा विरोध और सबसे ज़्यादा गलत बात है। मैं आज एक हिंदुत्व के नाते अपने कुछ मित्रों के साथ में उनका पुतला दहन इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी घटना की बात रहेगी हिंदुत्व के लिए कि ये इस चीज़ की परमिशन आपने किससे ली, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये आज कलेक्टर साहब के अधीन है नगर पालिका, माननीय कलेक्टर साहब को कल हम 5-50 जने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं इस बात के लिए। आज मैंने इसीलिए उनका पुतला दहन करा है नगर पालिका सीईओ।